दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस बाइक का रिव्यू करने वाले हैं ये है हीरो HF डिलक्स और ये इसका बेस वेरिएंट जो कि किक स्टार्ट ड्रम अलॉय व्हील के साथ ये आता है। इसका हम कंप्लीट डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा क्या इसमें फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इसकी मिलती है। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से, सो इसमें आपको सबसे ऊपर हीरो की ब्रांडिंग दी गई है। हैलोजन में इसमें हेडलैम्प्स दिए जाते हैं और साथ में टर्न इंडिकेटर्स, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही साइड में इसमें रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं सेफ्टी के लिए और जो फ्रंट मड गार्ड है वो ग्लॉसी ब्लैक कलर में इसमें दिया गया है। फ्रंट में आपको ब्रेकिंग के लिए इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, डिस्क ब्रेक इसमें देखने को नहीं मिलेगी और फ्रंट एंड रेयर टायर दोनों ही 18 इंच के इसमें ऑफर किए जाते हैं। साइड प्रोफाइल ऐसी दी जाती है जिसमें फ्यूल टैंक पे ग्राफिक दिए गए हैं, हीरो की ब्रांडिंग इसमें दी गई है। सबसे बड़ी खास बात इसमें ये कि अब ये E20 फ्लेक्स फ्यूल को भी सपोर्ट करती है, सो आपको बार बार पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको मिलती है 9.6 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। अब इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है 100 सीसी का एयर कूल्ड फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC इंजन जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 8.2 PS की एट 8000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क इसमें मिलती है 8.5 Nm एट 6000 RPM और माइलेज की बात की जाए तो ये आपको निकाल कर दे देती है 70 किलोमीटर पर लीटर। जैसे कि ये बेस वेरियंट है तो इसमें आपको किक का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर रेसिंग पैड पर साइड में स्पोर्ट दी गई है जिससे कि आपका जो फुट है वो स्लिप नहीं होता है। ये भी एक बढ़िया सेफ्टी फीचर है। रेयर में आपको फुट रेस्ट दिया गया है। स्विंग आर्म विद 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन इसमें रेयर में ऑफर किए जाते हैं और साथ में 18 इंच के टायर भी इसमें दिए जाते हैं। डिस्क ब्रेक इसमें भी आपको ऑफर नहीं की जाती है। अब रेयर प्रोफाइल के बारे में चेकआउट करें तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रैब हैंडल इसमें दिया गया है जो कि काफ़ी स्टडी और मजबूत लग रहा है देखने में। हैलोजन में इसमें टेल लैंप ऑफर किए जाते हैं, साथ में टर्न इंडिकेटर्स और रिफ्लेक्टर इसमें दिए गए हैं। अब दोस्तों चेकआउट करते हैं इसके अदर साइड प्रोफाइल में। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है इसमें सारी गार्ड जो कि एक और सेफ्टी फीचर है। अदर इसकी डायमेंशंस की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है 110 kg का वेट। सो ग्राउंड क्लियरेंस इसमें दी जाती है 165 mm की और सीट हाइट इसमें दी जाती है 805 mm। सो काफ़ी बढ़िया इसका वेट रखा गया है, काफ़ी लाइट वेट ये बनाई गई है, इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। कंपनी फिटेड इसमें ब्लैक कलर के लेग गार्ड ऑफर किए जाते हैं। अब चेकआउट करते हैं इसके स्पीडोमीटर और हैंडल बार को। सो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं इसके लेफ्ट साइड के हैंडल बार को तो इसमें आपको पासिंग के लिए स्विच इंडिकेटर और हॉर्न के जो स्विचेज है वो इसमें दिए गए हैं और नो डाउट इनकी क्वालिटी अच्छी रखी गई है। राइट साइड में आपको कोई भी कंट्रोल्स इसमें देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो इसमें ओनली किक स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, सेल्फ स्टार्ट का इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन जो हैंडल पर यहाँ पर ग्रिप दी गई है वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की इसमें दी गई है और क्रोम में आपको हैंडल बार दिया जाता है। 2 इस टाइप की कीज़ इसमें ऑफर की जाती है जिसमें हीरो की ब्रांडिंग दी जाती है। इसका जो स्पीडोमीटर दिया जाता है वो एनालॉग में मिलता है जिसमें लेफ्ट साइड में स्पीड किलोमीटर और साइड स्टैंड की इसमें वार्निंग दी गई है। राइट साइड में यहाँ पर फ्यूल की इन्फॉर्मेशन, न्यूटन की और हेडलाइट की इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। सो बेसिक सी इसमें इन्फॉर्मेशन रखी गई है। इसमें अभी रेयर व्यू मिरर इंस्टॉल नहीं किए गए हैं बट आपको इसमें कंपनी फिटेड मिलते हैं और सिंगल सीट इसमें मिलती है जिसकी चौड़ाई भी ठीक ठाक रखी गई है और कुशनिंग भी इसमें ठीक ठाक मिल जाती है। 2 पर्सन इसमें इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। पंचकुला हरियाणा में इसका एक शोरूम प्राइस है 60,260 रुपीज़। इसके एक और वेरिएंट का भी मैं रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसी टाइप की और वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू बाइक न्यू अपडेट्स। टिल देन गुड बाय।